संजय जी, आज आपके साथ केवीएस का हम मॉक इंटरव्यू करने जा रहे हैं और ये इंटरव्यू उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो केवीएस की तैयारी कर रहे थे और सरकार शिक्षक बनने का सपना सोच रहे हैं, क्योंकि आपको सरकार शिक्षक बनने से पहले एक इंटरव्यू से होकर गुजरना होगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर हैं, उनके मन में ढेर सारे डर हैं कि सर इंटरव्यू कैसे फेस करें, कैसे सवाल आते हैं। और इसके नाम है बहुत सारे कोचिंग वालों ने बड़े बड़े कोर्स चलाकर ढेर सारे पैसे ले रखे, लेकिन हम चाहेंगे कि उन सभी का मदद हो जो गाँव प्रदेश से जुड़े हैं, जो दूर दराज से जुड़े हुए हैं और अपने आप को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत की है। तो चलिए संजय जी, आपका स्वागत है लर्निंग विद द गेस्ट में और हम आपके साथ मॉक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो आपके इंटरव्यू की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, आप गेट खोल कर एंट्री करेंगे, उसके बाद मैं कम इन और फिर हम कहेंगे यस कम इन, प्लेस इट डाउन, थैंक यू, उसके बाद से इंटरव्यू शुरू होगी। तो गलत सही जो भी होगा इसका मूल्यांकन बाद में करेंगे, पहले बिना डरे बिना हिचक के आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यू में जुड़े रहिएगा और हम आपसे एज ए पैनल की तरह बात करूंगा और आप एक स्टूडेंट की तरह जवाब दीजिएगा जहां जैसा आपको उचित लगेगा। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू की शुरुआत अब यहाँ से, ठीक है संजय जी? तो संजय जी बताएं अपना परिचय, वैसे आपका नाम तो संजय है लेकिन संजय जी आप अपने बारे में बताएं कुछ हमें भी, हम भी जानें आपके बारे में। मैं यस कम इन। अपने बारे में बताएं संजय जी। माय नेम इज संजय कुमार। आई हैव डन ग्रेजुएशन एमजेपीआर यूनिवर्सिटी, बीएससी इन कंप्लीटेड 2017। आई हैव डन बीएड 2019 टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ। माई हॉबीज रीडिंग एंड क्रिकेट। एंड आई हैव डन इट प्राइमरी लेवल 2021। जी सर। अभी अब तक आपने सीटेट को कितने बार दिया है? सर मैंने 2 बार ट्राई किया था, एक बार नहीं हुआ था और दोबारे में हो गया था सर। फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए थे। चलिए, अच्छा सीटेट जब आपने दिया तो सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सीटेट परीक्षा देने के बाद आपने कैसा महसूस किया अपने आप में? सर एक तो सर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, तभी हम कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा निकालने के बाद, और उससे मुझे मेरा आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा प्रूव हुआ, जिससे कि मैंने सर के लिए सीआरटी 2023 में एससी कैटेगरी से 114 अंक प्राप्त किए। ये एनसीएफ क्या होता है, जरा मुझे बताएं कि एनसीएफ क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है 2025 सर, बिना बोझ के शिक्षा। अच्छा, ये बिना बोर्ड के शिक्षा एक किसने कहा था या किस आयोग ने कहा था, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बिना बोर्ड का शिक्षा किसने कहा था ये? सर यशपाल समिति की रिपोर्ट पे। जी। तो बिना बोर्ड की शिक्षा से आप क्या समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए, स्कूल से भगा दिया जाए या उन्हें कह दे बिना बैग के पढ़ाना, तो बिना बोर्ड की शिक्षा को आप कैसे समझते हैं? सर मैं समझता हूँ कि जो बच्चों के लिए जो एक बोझ रहता था, जो किताबें ज़्यादा रहती थी और उनके पास प्रेशर रहता था बहुत ज़्यादा, जिससे कि शिक्षा प्रभावित होती थी। और जब से एनसीएफ 2005 आया तो सर उससे बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ, जिससे कि बच्चों पर प्रेशर कम हुआ और शिक्षा थोड़ी इम्प्रूव होने लगी। इससे आज देखा जाए तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा एक एम था कि मैं शिक्षक बनूं, और शिक्षा ही हमें जीने का अधिकार सिखा देता है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। और सर लोगों से प्रेरित होकर सर मेरे सर से
उनसे प्रेरित हुआ हूँ सर मैं, और आज मैं आपके सामने केवीएस का इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये केवीएस होता क्या है? मतलब आप केवीएस को क्या जानते हैं? मतलब केवीएस होता क्या है? क्या है सर केवीएस? ये होता है सर केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके चेयरमैन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री सर। ये 1962 में 20 रेजिमेंट स्कूल थे पहले, उसके बाद में इसको चेंज किया गया। फिर सर ये 15 दिसंबर 1963 को इसको अपडेट किया गया। फिर तकरीबन अब इस टाइम प्रेजेंट में सर 1252 KVS स्कूल चल रहे हैं, 25 रीजन में और जिले में 5। तो आप किस रीजन में सबसे पहले शिक्षक बनना चाहेंगे केवी में? सर ऑल इंडिया करेंगे। कहीं भी? अगर आपकी पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ में होती है या पंजाब में होती है, तो क्या पढ़ाना पसंद करेंगे पंजाब में? मैं ईवीएस पढ़ाना पसंद करूंगा। क्यों ईवीएस ही पढ़ाना चाहेंगे? ऐसा ईवीएस में आपको क्या लगा कि आप ईवीएस ही पढ़ाना चाहेंगे सबसे पहले पंजाब में? सर हमारे एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पंजाब में ईवीएस से जुड़ा कोई ऐसी बात बताइए जो हमें भी पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी की किताब में हो पंजाब के बारे में। सर पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है, बुलंद, जैसे कि आपने जो अपना फॉर्म फिल किया है जो एलएनबी दुर्गेश के मॉक इंटरव्यू के लिए, इस मॉक इंटरव्यू में जो अपना एड्रेस आपने बता के रखा है बुलंदशहर, तो बुलंदशहर और सर पंजाब में कोई एक समानता बताइए जो आपको आपके दृष्टिकोण से लग रहा हो। अगर एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई एक समानता बताइए। एग्रीकल्चर दृष्टिकोण से देखें तो सर बुलंदशहर में जो पॉपुलेशन है सर वो खेती पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ का जो प्रथम आय का स्रोत है वो कृषि है। अब पंजाब से अगर हम बुलंदशहर को तुलना करें तो आप मुझे ये बताइएगा कि बुलंदशहर और पंजाब में क्या समानताएं देखने को मिलेंगी एग्रीकल्चर के मामले में? जैसे देखा जाए तो बुलंदशहर में सर हमारे यहाँ पर भी धान की खेती होती है सर, पंजाब में भी होती है सर, गेहूं की फसल होती है और पंजाब में भी होती है। और सर हमारे यहाँ पर गन्ने की जो नकदी फसल है वो अधिक मात्रा में होती है और सर पंजाब में भी होती है, यही समानता है सर। अच्छा, गन्ने को नकदी फसल क्यों कहते हैं? सर वो हाँ ईयरली सर उसको हम काट के सर उसको जो चीनी शुगर के लिए और सर अधिक सीरा वगैरह उनके लिए बस काम में आती है, तो उसको आसानी से हम बेच सकते हैं और मैं सर पैसा प्राप्त हो जाता है। धान को भी तो बेच सकते हैं, तो फिर धान नकदी फसल क्यों नहीं है? सर गन्ना स्थिर फसल है, धान स्थिर फसल नहीं है। सर अच्छा, गन्ने की कौन कौन सी किस्म आप जानते हैं? मैं सर एक तो 67 होता है सर गन्ना, 67 को जानता और सर एक हमारे साइड में सर एक रसगुल्ला गन्ना होता है, तो उसको जानते हैं बस। आप कभी खेतों में गए हैं? सर खेतों में जाने के बाद ऐसा क्या लगा कि जो आप केवी के बच्चों को पढ़ा सके उस खेत से जोड़कर, या कुछ ऐसी चीजें जो सीखा हो आपने, जो आपने सोचा हो कि हम कभी भी अगर केवी में शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को जरूर बताएंगे, तो ऐसा आपने क्या अपने खेत से सीखा है? सर खेत से सीखा है कि पेड़ पौधे हैं सर, जीव जंतु है और सर किसान का मित्र होता है खेत का, सब एनवायरनमेंट से जुड़ के हम ईवीएस को बढ़ा सकते हैं सर। अच्छा, केचुआ के अलावा किसान का मित्र और कौन होता है?
जैसे कि धान की खेती में लायक है, सहवाल है, किसान की मेहनत है, इस तरीके से काम करते अच्छा, सांप को भी केंचुए का मित्र क्यों कहा जाता है? कहीं कहीं आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ने को मिला होगा कि सांप को भी केंचुए का मित्र कहा जाता है, ऐसा क्यों? हैं। वो इसलिए कहते हैं कि जो चूहे होते हैं उनके तो नुकसान पहुंचाते हैं सर, तो एक वो बक्सी होता है सर सांप जो उसको खा लेता है सर, इस तरीके से उसके उसको मिलते आपने अपनी हॉबी में बता के रखा, जो डीपीएफ फॉर्म आपने भरा हुआ है, जो आप केवीएस में फॉर्म भरते थे, इलेवन में, दरगेश में भी आपने फॉर्म भरा है, उसमें आपने बताया कि हैं। आपको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, यस तो हाल फिलहाल में भी आपने कोई कौन सी किताब पढ़ी है? सर, मैं रीडिंग करता हूँ सर, जैसे कंपटीशन की तैयारी सर, वैसे तो कोई किताबें नहीं। अच्छा, अगर आप केवी में शिक्षक बनते हैं तो बच्चों को रीडिंग से जोड़ने के लिए कोई तीन काम बताइए, तीन क्या ऐसा करेंगे कि बच्चों का भी पढ़ने में रुझान आए और वो भी अपने हॉबी में आपकी तरह लिख सकें, रीडिंग बुक्स, ऐसा तीन काम आप क्या करेंगे? सर खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको जीवन से जोड़ सकते हैं सर, और सर दूसरा वातावरण के अनुसार उनको पढ़ा सकते हैं सर, और बस मैंने पूछा आपसे कि उनकी भी हॉबी पढ़ना कैसे हो, जैसे बच्चे पढ़ने से भागते हैं, उनको ना पढ़ने को मिले, उनको किताब पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए कि वो लाइब्रेरी से किताबें लें, आपसे किताबें लें, अपने माँ बाप से किताबें लें, किताबें पढ़ने का शौक उन्हें हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट करके थोड़े वो एक्टिव हो जाएंगे, और सर एक्टिविटी के द्वारा उनको हम प्रेरित कर सकते हैं। क्रिकेट का जो 2020 मैच होता है वो कितने मिनट का होता है? क्योंकि आपने अपने हॉबी में क्रिकेट लिखा हुआ है, तो छोटा सा सवाल है, जो क्रिकेट का जो 2020 मैच होता है वो कितने देर का होता है? एप्रोक्स सर फिक्स तो सर पता नहीं है, लेकिन समथिंग 3:30 मिनट। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान को जानते हैं? यस क्या नाम है उनका, जरा हमें भी बताएं, हम भी जाने कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? T20 सर ये वनडे है दोनों के बता दीजिए आप। सर, T20 हरमनप्रीत कौर है सर, और सर वनडे भी है स्वाति मलिक। आप बच्चों को कौन सा खेल खिलाएंगे तब? अगर आप बच्चे कहेंगे सर मुझे खेलना है, तो उन्हें कौन सा खेल खेलना सिखाएंगे आप, शुरू कराएंगे कौन सा खेल? मैं क्रिकेट खेलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो अगर बच्चे चाहेंगे तो सर मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँ। आउट कितने प्रकार से होते हैं? जो आउट होता है वो कितने प्रकार के आउट होते हैं, नाम के साथ बताइएगा। अभी हाल ही में कौन से आउट की बात की गई है? हाल ही में अगर बीसीसीआई की बात करें या आईसीसी की बात करें, उन्होंने आउट का एक कौन सा नया नियम बनाया है? बॉलर बॉलिंग डालता है और रनिंग में जो खड़ा रहता है प्लेयर, मुझे भाग भी मिल जाता है, उसको स्टंप कर देते हैं सर, बॉलर आउट के लिए उस पर चलाता है कितने अभी सर हाल से ही में वो। किसी भी 2020 यस मैच में किसी भी खिलाड़ी को कितने समय के अंदर क्रीज पर पहुंचना अनिवार्य था, उसे आउट दे दिया जाएगा? सर 20 सेकेंड वनडे में, सॉरी
तो ये भी हाल ही में आउट का एक नया नियम बना है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको क्रीच पर पहुंचना है, जैसा कि मैंने पढ़ा था। आपको मैं शिक्षक क्यों बनाऊं, केवीएस में मैं आपको ही शिक्षक क्यों बनाऊं? अगर मैं सर बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ और सर मैं उनके सर अकॉर्डिंग उनको पढ़ा सकता हूँ सर और सर सर मैं सेल्फ मोटिवेट बहुत रहता हूँ अच्छा, मान लीजिए अगर आपको एक सर। अच्छा चार आपको मिल जाए पढ़ाने के लिए और बच्चे सेल्फ मोटिवेट हो, खूब मोटिवेट हो, तब उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले हम एक्टिविटी के अनुसार पढ़ाना पसंद करेंगे। अब कोई कह सर नहीं, मुझे तो गा के पढ़ना है, हमें कविता सुननी है, तब क्या कहेंगे आप? सर एक्टिविटी करके हम कविता पढ़ा देंगे। कोई एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाएंगे हमें? सुनाइए कोई एक कविता। एक्टिविटी करके बताएं नहीं, ऐसे कविता ही बताइए क्योंकि इस समय आप ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी कम है उसकी। ऐसे कोई कविता में सुनाइए। सर। चलिए, अच्छा लगा बहुत, और थैंक यू संजय जी आपका, और इस केवीएस के मॉक इंटरव्यू पैनल में। और बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी रही हैं, कुछ जगह आपने बहुत अच्छा किया, कुछ जगह थोड़ी सी कमियां रह गई थी। और इस मॉक इंटरव्यू के बाद आप खुद में देखिएगा कहाँ क्या कमी रहेगी, उसे कहाँ का सुधार करना है, और इस वीडियो को खुद भी देखिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, उनसे पूछिएगा कि मुझे कहाँ का सुधार करने की जरूरत है। और आप सभी इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा संजय जी को आप 30 में से कितने मार्क्स करते हैं, 100 में से अगर आपको मार्किंग करनी हो तो 100 में से संजय जी को कितने मार्क्स करते हैं। और आप वीडियो को शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिएगा, और आप खुद चाहते अगर इस मॉक इंटरव्यू में जुड़ना तो नीचे नंबर स्क्रॉल पर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप करके आप इस मॉक इंटरव्यू के थ्रू में जुड़कर अपने जो कमी है, अपने जो डर है, उसे निकाल सकते हैं और उसे पूरे इंटरव्यू का अनुभव जैसा ले सकते हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? धन्यवाद बस धन्यवाद। चलिए, सभी को बहुत धन्यवाद, आपको बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आप जल्दी से केवीएस में शिक्षक बने और फिर से हम आपका एक मॉक इंटरव्यू लेने मित्र गेस्ट पे ले, जहां पर आप अपने इन उपलब्धियों का और आप अपने सफलता के जो गौरव गाथा होगी उसे लोगों तक बताएं और लोगों को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक संजय जी, आपको बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा, ताकि ऐसे ही हम अन्य जिलों के लोगों के साथ आपके साथ मॉक इंटरव्यू कराते रहे। सभी को नमस्ते।